Ada patah tulang kau, kau ambil lagi. मैं हूं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज रेती बंदर एक नंबर परिसर में फॉरेस्ट विभाग ने कार्रवाई कर 22 मकान तोड़ दिए हैं। आपको बता दें कि काफ़ी दिनों से रेती बंदर में फॉरेस्ट विभाग की कार्रवाई होने की आशंका जताई जा रही थी, जिसके लिए रेती बंदर में जनता के साथ नेताओं ने मीटिंग भी की और आश्वासन भी दिया था कि एक भी घर तोड़ने नहीं देंगे, मगर इसके बावजूद फॉरेस्ट विभाग की कार्रवाई हुई और 22 मकान तोड़ दिए गए। बताया जा रहा है कि यहाँ लगभग 40 से 50 साल से लोग रह रहे हैं, मगर आज हुई कार्रवाई में 22 मकान तोड़ दिए गए और रातों रात लोगों को घर से बेघर कर दिया गया। इस दौरान एक महिला ने घर का दरवाज़ा बंद कर ली कि उसका घर न तोड़ा जाए, मगर किसी तरह से पुलिस वालों ने उस महिला को घर से बाहर निकाला और उसका घर तोड़ दिया गया। फॉरेस्ट विभाग की कार्रवाई से रेती बंदर परिसर में हड़कंप मचा हुआ है। लोग बेहद डरे हुए हैं कि कहीं उनके घरों को भी ना अब तोड़ दिया जाए। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।